वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा टॉप अपडेट ऑफ डीटीएच केबल टीवी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको टॉप न्यूज़ देने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूं। जैसा कि दोस्तों बता दूं, सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों सोनी नेटवर्क की तरफ से है। सोनी नेटवर्क के चैनल दिग्याना केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिया गया है। उनका 3 करोड़ का ड्यू था जो वापस सेटलमेंट हो गया है दिग्याना और सोनी नेटवर्क के बीच। इसके बाद सोनी नेटवर्क ने ऑफिशियली डिग्याना केबल के प्लेटफॉर्म पे चैनल को शुरू कर दिया गया है। अगला जो अपडेट है दोस्तों ईटीवी नेटवर्क की तरफ से आ रहा है। ईटीवी यानी कि एनाडू टेलीविजन की तरफ से अपडेट आ रहा है, जिसमें बेसिकली 12 चैनल की टेस्ट फीड GSAT-10 यानी कि 83 डिग्री हॉरिजेंटल सैटेलाइट पे शुरू कर दिया गया है। अगर आप ईटीवी के जो 12 नए जो चैनल शुरू हुए हैं बेसिकली किड्स के लिए है और सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, जितने भी रीजनल चैनल हैं उन सभी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश हिंदी में भी ईटीवी बाल भारती करके शुरू किया गया है, जो कि GSAT-10 सैटेलाइट पे है और हॉरिजॉन्टल पे अवेलेबल रहने वाला। इसका फ्रीक्वेंसी रहने वाला है 4005 और सिंपल रेट रहने वाला है 30,000। अगला जो अपडेट है दोस्तों एशियन केबल को लेकर आ रहा है। एशियन केबल भी बेसिकली आपका मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता है। मध्य प्रदेश के एशियन केबल के प्लेटफॉर्म पे जी नेटवर्क का चैनल बंद कर दिया गया है। बेसिकली चैनल बंद होने का रीजन एक ही होता है, या तो उनका पेमेंट ड्यू हो या सम एग्रीमेंट इश्यूज हो। अगला जो अपडेट है दोस्तों TRP को लेकर है, यानी TRP यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिसके जरिए सभी न्यूज़ चैनलों की इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस चैनल की TRP सबसे ज़्यादा होता है उसे एडवर्टाइज़र भी ज़्यादा मिलते हैं और एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है। अभी TRP स्कैम होने के बाद BARC ने यहाँ पर 3 महीने के लिए TRP को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन न्यूज़ चैनलों का 3 महीने तक BARC रिपोर्ट नहीं आएगा कि कौन सा चैनल टॉप 5 में है, कौन सा चैनल टॉप 1 में है। किसी भी न्यूज़ कैटेगरी के चैनल का TRP रेटिंग नहीं आएगा अगले 3 महीने तक। अगला जो अपडेट है दोस्तों टर्नर ब्रॉडकास्टर की तरफ से आ रहा है। टर्नर ब्रॉडकास्टर के 2 चैनल बंद होने की संभावना है। 15 दिसंबर को चैनल बंद हो जाएगा, जिसमें एक WB चैनल है, दूसरा HBO चैनल है। HBO स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन दोनों चैनल आपको 15 दिसंबर से बंद हो जाएगा। बेसिकली मेरे पास आज कमेंट भी आ रहा था इस लेकर, अभी तो मेरा चल रहा है तो अभी नहीं बंद होने वाला, दिसंबर में चैनल बंद होगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों जियो नेटवर्क के तरफ से आ रहा है। जियो ने अपने लाइव टीवी में 10 और नए चैनल इंक्रीज कर दिए हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों सन डायरेक्ट DTH की तरफ से है। अगर आप सन डायरेक्ट DTH के सब्सक्राइबर हैं तो अब आपको नेटवर्क कैपेसिटी फी ₹50 प्लस GST लगने वाला है। अगर आप मल्टी कनेक्शन यानी कि एक से ज़्यादा सन डायरेक्ट DTH के सब्सक्राइबर आप हैं तो आपको दूसरे बॉक्स के लिए ₹25 इंक्लूडिंग GST देना होगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों बिग गंगा चैनल को लेकर आ रहा है। बिग गंगा चैनल बेसिकली जी नेटवर्क का चैनल है और बिग गंगा एक भोजपुरी चैनल है और इस पे आपको डिंग डोंग डांडिया जो है नवरात्रा सीजन में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है बिग गंगा चैनल पे। अगला जो अपडेट है दोस्तों टाइम्स नेटवर्क की तरफ से है। टाइम्स नेटवर्क के इंग्लिश मूवीज़ जो है MNX, मूवीज़ नाउ, रोमेडी नाउ, इन तीनों चैनलों पर फेस्टिवल सीजन में नए नए मूवीज़ टेलीकास्ट करने का ऐलान किया गया है। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।